नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय और कॉलेज परीक्षाओं को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुँचे सही व सटीक न्यूज़। ये दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं, तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी ने है वो आज समीक्षा बैठक ली है परीक्षाओं को लेकर। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर निर्देश। जुलाई के अंतिम सप्ताह अथवा अगस्त के प्रथम सप्ताह में हो सकती है परीक्षा। परीक्षा आयोजित किए जाने के लिए आवश्यक तैयारियां करने के दोस्तों है वो निर्देश दिया गया है। हालांकि जो आज मीटिंग आयोजित की गई है तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी के द्वारा, वो इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों के लिए की गई है। लेकिन आपको पता है कि जब गाइडलाइन जारी की जाएगी तो जो यूजी पीजी के बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम के स्टूडेंट हैं उनके साथ में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स की है वो विस्तृत गाइडलाइन है वो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा एक साथ ही जारी की जाएगी, जिस प्रकार से पिछले बार जारी की गई थी। और आगे भी दोस्तों मैं आपको और अपडेट दिखा देता हूँ। ये अपडेट तो आपने देख ली कि जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा है वो जुलाई के अंतिम सप्ताह अथवा अगस्त के प्रथम सप्ताह में कराने की बात चल रही है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं जिनका 4 साल का दोस्तों कोर्स होता है उनमें प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है वो कोई बात नहीं की गई है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, उसके तुरंत बाद में एक और ट्वीट है वो जी राजस्थान के द्वारा किया गया है कि तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग जी ने है वो समीक्षा बैठक ली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक, बैठक के बाद बोले तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा को लेकर के है वो चर्चा हुई है और जो परीक्षा मॉडल है वो पिछली वर्ष की तरह ही रखने पर चर्चा की गई है, प्रस्ताव बना करके वो प्रस्तुत किया जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो परीक्षा मॉडल है वो पिछले वर्ष की तरह रखा जाएगा। और पिछले वर्ष की दोस्तों यदि मैं बात करूँ, जिस तरह से यहाँ पर न्यूज़ आई हुई है केवल अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की है वो परीक्षाएं आयोजित हुई थी, बाकी सभी विद्यार्थियों को है वो प्रमोट किया गया था, तो क्या इंस्टीट्यूट का यह कयास लगाया जाएगी पिछली बार की तरह इस बार भी केवल फाइनल के जो विद्यार्थी है उनकी है वो परीक्षाएं आयोजित की जाएगी? क्योंकि आपने एक ट्वीट के माध्यम से दोस्तों देखा था, मैंने अभी आपको जानकारी दी है कि जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी है उन्हीं की परीक्षाओं को लेकर के वो बात की गई है और वो भी जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह में है वो उनकी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। तो देखने वाली बात होगी कि अन्य विद्यार्थियों के लिए क्या होता है। जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं उन्हें तो दोस्तों आसानी से जनरल प्रमोशन मिल सकता है यदि कमेटी की रिकमेंडेशन इसको लेकर के आती है तो। लेकिन जो दोस्तों द्वितीय या तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं इंजीनियरिंग में, उनके लिए क्या सिस्टम रहेगा? क्योंकि वो पिछले बार भी प्रमोट होकर के आए हैं, क्या उन्हें लगातार दूसरे वर्ष प्रमोट किया जाएगा या उनकी परीक्षाएं हैं वो नवंबर तक आयोजित की जाएगी, अभी उन्हें प्रोविजनली प्रमोट किया जाएगा, या उनकी परीक्षाएं हैं वो अगस्त में फाइनल ईयर में रहने के बाद में आयोजित की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और आप देख सकते हैं दोस्तों जल्द से जल्द है वो मीटिंग आयोजित हो रही है। आज उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी ने पहले कहा था कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने पर विचार है और जो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं उनके लिए असमंजस की स्थिति बनी है, तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की हम परीक्षाएं लेंगे, स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को भी प्रमोट किया जा सकता है, फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षा होगी। उसके बाद में आज तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी ने भी है वो इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं उनके लिए दोस्तों ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक है वो आयोजित की है। उम्मीद यही है कि जल्दी सीएमओ स्तर पर, सीएमआर स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विद्यार्थी हित में निर्णय है वो लिया जाएगा। विद्यार्थी बहुत असमंजस की स्थिति में है, मैं भी राजस्थान सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द वो कोई भी डिसीजन है वो विद्यार्थी हितों में दें, जिससे कि विद्यार्थियों है वो अपने मानसिक स्वास्थ्य की चिंता छोड़ करके पढ़ाई की चिंता में जुड़ सके और आगे है वो अपने करियर को लेकर के है दोस्तों वो आगे से आगे बढ़ सके, प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर सके। आपको इसको लेकर के दोस्तों क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।